हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में। बिग बॉस के घर जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, आज वेडनेसडे है और आज आज के एपिसोड में आपको काफी कुछ भयंकर ड्रामा घर के अंदर देखने को मिलने वाला है। मैं सबकी बातें करूंगा। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आप कैप्टनसी की दावेदारी में किसे देखना चाहते हैं। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा को घर के अंदर मिस कर रहे हो या नहीं। दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों अब बात कर ले आज की एपिसोड की, उससे पहले थोड़ी सी कल की रात के एपिसोड की बात कर ले। दोस्तों कल के एपिसोड में हमने देखा कि शेफाली जरीवाला, सबसे बड़ी हाईलाइट रही कल के एपिसोड की, कि शेफाली जरीवाला और आसिम रियाज के बीच में फाइट हो गई। दोस्तों एक चीज देखने वाली बात है कि कल शेफाली जरीवाला कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिखाई दी। हालांकि वो एक स्ट्रांग कंटेंडर है, लेकिन उनकी गेम कुछ कुछ अब जो है एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने हिंदुस्तानी भाऊ के लेडर को टियर कर दिया, यानी फाड़ दिया, और उसके बाद आके उनसे सॉरी बोल रही है और बोल रही है मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी और मैं पूरी तरह से गुस्से में थी, इसलिए मैंने आपका लेटर को नष्ट कर दिया। और वहीं पे दोस्तों हमने देखा कि आसिम रियाज इसके लिए खड़े होते हुए नजर आ रहे थे कि वो चाहते थे कि जो हिंदुस्तानी भाव उसको बोले शेफाली जरीवाला को कि आपने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। जिस पे दोस्तों हमने देखा कि आसिम रियाज बाद में शेफाली जरीवाला पे उससे पहले ही थोड़ा सा भड़क चुके थे। जब उन्होंने सेक्रीफाइस वाली बात की थी तो वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे, क्योंकि वो सेक्रीफाइस वाली मैटर नहीं थी। वहाँ पर मैटर ये थी कि आपने खुद गलती की और आपके लेटर को नष्ट करवा दिया गया बिग बॉस के द्वारा, तो वहाँ सेक्रीफाइस वाली मैटर नहीं आती। लेकिन आज के एपिसोड में दोस्तों आपको सेम चीज आसिम रियाज करते हुए देखेंगे, यानी कि जो चीज हिंदुस्तानी भाव के लिए वो शेफाली जरीवाला को बोल रहे थे, आज वो सेम काम माहिरा, उससे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हो जाएगा आज माहिरा शर्मा के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि माहिरा शर्मा को आसिम रियाज की चिट्ठी मिल जाती है आज के एपिसोड में। और दोस्तों थोड़ी सी प्रमो दिखाई मैं आपको बता देता हूँ कि वो डायरेक्ट जाती है और वहाँ पे नष्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर वो कुछ सोचती है और आसिम रियाज को वापस करते हुए कहती है कि मैं दूसरे के इमोशन को की कद्र करता हूँ करती हूँ और मैं आसिम रियाज को वापस करना चाहती हूँ उनकी चिट्ठी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो नष्ट नहीं करती है और वो आसिम रियाज को दे देती है, जिसपे दोस्तों आसिम रियाज काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि माहिरा के घर से चिट्ठी आई है। दोस्तों चिट्ठी आने की बात सुन के सभी वहां खड़े हो जाते हैं और आपको बता दो दोस्तों कि आसिम रियाज काफी ज्यादा छीन झपट्टा करके माहिरा शर्मा का चिट्ठी ले लेते हैं। और दोस्तों चिट्ठी लेते ही वो सीधा जाते हैं और नष्ट करने वाले मशीन के पास जाके खड़े होते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं पूरी तरह से। दोस्तों यहाँ पे अब समझने वाली बात है कि क्या आसिम रियाज को ऐसा करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन आपने जो चीज कल किसी को बोली है शेफाली जरीवाला को कि आपने भाऊ को का क्यों नष्ट कर दिया, उनको उनकी जरूरत थी, जबकि हिंदुस्तानी भाऊ ने शेफाली जरीवाला का के लिए ऐसा कुछ नहीं, वापस भी नहीं किया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ देखने वाली बात है, कल माहिरा शर्मा को आसिम रियाज ने कहा भी था अगर मुझे आपकी चिट्ठी मिलती है तो मैं आपको वापस भी कर दूंगा। बोलने की बात छोड़िए, माहिरा शर्मा ने उन्हें चिट्ठी वापस की, फिर भी उन्होंने चिट्ठी वापस नहीं करते हुए कैप्टनसी की दावेदारी को देखा पहले, तो वो उनकी गेम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों को जरूर ये बात आज के एपिसोड के बाद खराब लगने वाली है। उसके बाद दोस्तों इस बात को देख के पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला जो कि सीक्रेट रूम में है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा उसने किया क्यों, आखिर उसने ऐसा कैसे कर लिया कि जिसने उसकी उसे तुरंत ही चिट्ठी दिया और उसकी चिट्ठी को तुरंत ही उसके सामने ही अगली राउंड में ही नष्ट कर सकता है। यानी कि वो कहते हुए नजर आएंगे कि ये आसिम कभी भी किसी के लिए नहीं सोच सकता, ये एकदम अपने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखते रहता है सभी चीज़ों को। अब दोस्तों आपको बता दूं कि उसके बाद बिग बॉस घर के अंदर जो सीक्रेट रूम में बैठे हुए पारस और सिद्धार्थ हैं उनको एक स्पेशल पावर देते हैं कि वो अपने इच्छा अनुसार किसी भी घर वाले को अपनी कठपुतली, यानी कि वो जो भी चाहे वो करवा सकते हैं बिग बॉस के अगले आदेश तक। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला इसमें ज़्यादा इंगेज होते हुए नहीं दिखेंगे, पारस छाबड़ा काफ़ी ज़्यादा मजे लेंगे रश्मि देसाई के, शेफाली जरीवाला के। वहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बात देखना है
कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला इस बात की पनिशमेंट देते हुए आसिम रियाज को नजर आएंगे, क्योंकि ये सारी पनिशमेंट पनिशमेंट की गेम घर में हो रही होती है। तो दोस्तों आपका आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।